पी शिवर वेबसाइट विकास का पूरा विचार। प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट फुल प्रोसेस इन हिंदी। वेबसाइट विकास एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। नए तकनीक और डिजाइन रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट को अद्यतित और प्रभावी रखें। हेलो एवरीवन, आई एम दुर्लभ साकिया। आई ब्रिंग 6 इयर्स ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हैविंग वर्कड एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर बोथ डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी कंपनीज। पेशेवर वेबसाइट विकास का पूरा विचार। प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट फुल प्रोसेस इन हिंदी। वेबसाइट विकास एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। नए तकनीक और डिजाइन रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट को अद्यतित और प्रभावी रखें। यदि आप एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करना चाहते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। क्या आप इसे एक ऑनलाइन स्टोर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, एक ब्लॉग, एक कंपनी के होम पेज? अपने उद्देश्य को जानने से आपको सही डिजाइन और कार्यक्षमता का चयन करने में मदद मिलेगी। दूसरे, आपको अपनी वेबसाइट के दर्शकों को ध्यान में रखना होगा। आप किसे संबोधित कर रहे हैं, उनकी उम्र, रुचियां और तकनीकी कौशल क्या हैं? अपनी वेबसाइट को अपने दर्शकों के लिए अनुकूलित करने से उन्हें अधिक आनंद लेने और उपयोग करने में सक्षम होगा। तीसरे, आपको अपनी वेबसाइट की तकनीकी विशेषताओं पर विचार करना होगा। आप किस प्रकार की सामग्री प्रदर्शित करना चाहते हैं? आप कितने ट्रैफिक की उम्मीद करते हैं? अपनी वेबसाइट की तकनीकी आवश्यकताओं को समझने से आपको सही मंच और होस्टिंग समाधान चुनने में मदद मिलेगी। अंत में, आपको अपनी वेबसाइट की डिजाइन और विकास को समय और बजट के भीतर पूरा करना होगा। एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करने में समय और पैसा लगता है, लेकिन यह एक निवेश है जो भविष्य में भुगतान करेगा। यदि आप एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करना चाहते हैं, तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छी तरह से डिजाइन और विकसित की गई वेबसाइट आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को बढ़ावा देने में मदद करेगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी। कुछ और बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तारांकन। अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा डोमेन नाम चुनें। एक विश्वसनीय होस्टिंग सेवा का उपयोग करें। तारांकन। अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री बनाएं। अपनी वेबसाइट को सीओ के अनुकूल बनाएं। तारांकन। अपनी वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट करें। अपनी वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पेशेवर वेबसाइट विकास एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रिवॉर्डिंग प्रक्रिया है। यदि आप इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आप एक वेबसाइट विकसित कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को बढ़ावा देगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी। वेबसाइट कैसे बनाते हैं? **. How to create a free business website in Hindi. एक वेबसाइट एक डिजिटल संसाधन है जो वेब ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेबसाइटें विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकती हैं, जैसे कि व्यवसायों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, व्यक्तिगत ब्लॉग चलाना या जानकारी और सेवाएं प्रदान करना। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाना एक अच्छा विचार है। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करने, ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट कैसे बनाएं? एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। 1. एक डोमेन नाम चुनें। एक डोमेन नाम आपके व्यवसाय की ऑनलाइन पहचान है। यह वह URL है जो लोग आपके व्यवसाय की वेबसाइट पर जाने के लिए उपयोग करेंगे। 2. एक होस्टिंग सेवा चुनें। होस्टिंग सेवा वह सेवा है जो आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रखेगी। 3. एक वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करें। एक वेबसाइट बिल्डर एक टूल है जो आपको बिना किसी कोडिंग ज्ञान के अपनी वेबसाइट बनाने में मदद कर सकता है। 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन करें। अपनी वेबसाइट को अपने व्यवसाय और ब्रांड के लिए अनुकूलित करें। 5. अपनी वेबसाइट को सामग्री से भरें। अपनी वेबसाइट को अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी, उत्पादों और सेवाओं से भरें। 6. अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। अपनी वेबसाइट को लोगों के सामने लाने के लिए मार्केटिंग रणनीति विकसित करें। मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट के लाभ। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं। *. कम लागत। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाने और बनाए रखने में बहुत कम लागत लगती है। *. आसानी से सेटअप। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट को सेटअप करना बहुत आसान है। आपको केवल एक डोमेन नाम और एक होस्टिंग सेवा चुनने की आवश्यकता है।
एस्टरिस्क त्वरित परिणाम, एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट को सेटअप करने के बाद आप तुरंत अपने व्यवसाय को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। एस्टरिस्क लचीलापन, आप अपनी मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। यदि आप एक छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट एक अच्छा विचार है। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करने, ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। एस्टरिस्क एस्टरिस्क फ्री में प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट का विचार। वेबसाइट एक ऑनलाइन परिचय है जो आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को दुनिया भर में प्रदर्शित करता है। यह आपके ग्राहकों, भागीदारों और कर्मचारियों के साथ जुड़ने और उनसे जुड़ने का एक तरीका है। लेकिन एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित कर सकते हैं। यहाँ मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित करने के कुछ विचार दिए गए हैं। एस्टरिस्क वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स का उपयोग करें। ऐसे कई वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स हैं जो आपको बिना किसी कोडिंग ज्ञान के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स हैं विक्स, स्क्वेयरस्पेस और वर्डप्रेस। एस्टरिस्क फ्री कोडिंग ट्यूटोरियल का पालन करें। यदि आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कई मुफ्त कोडिंग ट्यूटोरियल पा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय कोडिंग ट्यूटोरियल वेबसाइट हैं कोडकेडमी, फ्री कोडी कैंप और खान अकेडमी। एस्टरिस्क एक ओपन सोर्स CMS का उपयोग करें। एक ओपन सोर्स CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक मुफ्त और प्रचलित सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में मदद कर सकता है। कुछ लोकप्रिय ओपन सोर्स CMS हैं वर्डप्रेस, ड्रूपल और जूमला। मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित करना संभव है। आपको बस कुछ समय और प्रयास समर्पित करने की आवश्यकता है। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो यह एक ग्रेट वे है अपनी शुरुआत करने के लिए। यहाँ कुछ और मुफ्त वेब विकास संसाधन दिए गए हैं। एस्टरिस्क W3Schools https://www.w3schools.com/ एस्टरिस्क मोजिला डेवलपर नेटवर्क https://developer.mozilla.org/n-us/ एस्टरिस्क HTML5Rocks https://html5rocks.com/n/ एस्टरिस्क Alistapart https://alistapart.com/ एस्टरिस्क फ्री कोड कैंप https://www.freecodecamp.org/ मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपको मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित करने में मदद करेगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। तारांकन तारांकन गूगल साइट से मुफ्त में वेबसाइट कैसे बनाएं? क्रिएट अ गुड फ्री वेबसाइट। गूगल साइट्स एक मुफ्त सेवा है जिसका उपयोग आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें कोई कोडिंग या वेब डिजाइन कौशल की आवश्यकता नहीं है और आप अपनी वेबसाइट को अपनी इच्छानुसार अनुकूलित कर सकते हैं। गूगल साइट से वेबसाइट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। एक, एक गूगल खाता बनाएं या अपने मौजूदा गूगल खाते में लॉग इन करें। दो, दो गूगल साइट्स पर जाएं। तीन, तीन नया साइट पर क्लिक करें। चार, चार एक टेम्पलेट चुनें या एक खाली साइट से शुरू करें। पाँच, पाँच साइट का नाम और URL दर्ज करें। छह, छह साइट में सामग्री जोड़ें। सात, सात साइट को प्रकाशित करें। गूगल साइट से बनाई गई वेबसाइटें पूरी तरह से कार्यात्मक हैं और आप उन्हें अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर होस्ट कर सकते हैं या आप अपनी स्वयं की डोमेन नाम से अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। गूगल साइट से एक ग्रेट वे है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं बिना किसी कोडिंग या वेब डिजाइन कौशल के। यह एक ग्रेट वे है कि आप अपनी वेबसाइट को अपनी इच्छानुसार अनुकूलित करें और आप इसे अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ और लाभ हैं जो आपको गूगल साइट से मुफ्त में वेबसाइट बनाते समय मिलते हैं। तारांकन, आप अपनी वेबसाइट को अपनी इच्छानुसार अनुकूलित कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर होस्ट कर सकते हैं। तारांकन, आप अपनी स्वयं की डोमेन नाम से अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। तारांकन तारांकन गूगल साइट्स का उपयोग करना बहुत आसान है। तारांकन गूगल साइट्स के लिए कोई कोडिंग या वेब डिजाइन कौशल की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक मुफ्त वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो गूगल साइट्स एक ग्रेट ऑप्शन है। यह एक ग्रेट वे है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं बिना किसी कोडिंग या वेब डिजाइन कौशल के। यह एक ग्रेट वे है कि आप अपनी वेबसाइट को अपनी इच्छानुसार अनुकूलित करें
और आप इसे अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। कैसे बनाएं एक मुफ्त वेबसाइट? How to create a free website? एक मुफ्त वेबसाइट बनाना आजकल बहुत आसान है। कई वेबसाइट बिल्डर हैं जो आपको बिना किसी पैसे खर्च किए एक पेशेवर दिखने वाला और काम करने वाला वेबसाइट बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय मुफ्त वेबसाइट बिल्डर हैं। *wordpress.com**Google Sites**Jimdo*. इनमें से किसी भी वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके आप कुछ ही मिनटों में एक नया वेबसाइट बना सकते हैं। बस कुछ बुनियादी जानकारी जैसे आपका वेबसाइट का नाम, आपका विषय और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली थीम का चयन करें। फिर आप अपनी वेबसाइट के पृष्ठों को जोड़ना और उनमें सामग्री जोड़ना शुरू कर सकते हैं। मुफ्त वेबसाइट बिल्डर के साथ आप आमतौर पर एक निःशुल्क डोमेन नाम और कुछ मुफ्त बैंडविड्थ प्राप्त करते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अधिक पेशेवर दिखे तो आप एक डोमेन नाम और अधिक बैंडविड्थ के लिए भुगतान कर सकते हैं। मुफ्त वेबसाइट बिल्डर एक ग्रेट वे है टू स्टार्ट अ वेबसाइट विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। However, it's important to keep in mind that there are some limitations to free websites. For example, you may not be able to customize your website as much as you would with a paid website. Additionally, free websites are often more limited in terms of storage space and bandwidth. If you're serious about creating a website, I recommend investing in a paid plan. This will give you more flexibility and control over your website. However, if you're just starting out and you're not sure if you want to commit to a paid plan, then a free website builder is a great option. Here are the steps on how to create a free website. 1. Choose a website builder. 2. Select a theme. 3. Add your content. 4. Publish your website. Here are some tips for creating a free website. Choose a clear and concise domain name. Use high quality images and videos. Write engaging content. Promote your website on social media. I hope this article has helped you learn how to create a free website. If you have any questions, please feel free to leave a comment below. How to create a free website in just 10 minutes. Website kaise banaye 10 minute mein muft? Agar aap ek website banana chahte hain, lekin iske liye paise kharch nahi karna chahte hain, to aap kuch hi minton mein ek muft website bana sakte hain. यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि आप कैसे एक मुफ्त वेबसाइट बना सकते हैं। 1. एक फ्री वेब होस्टिंग सेवा चुनें। 2. एक फ्री डोमेन नाम चुनें। 3. एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS इंस्टॉल करें। 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करें। 5. अपनी वेबसाइट को प्रकाशित करें। चरण 1. एक फ्री वेब होस्टिंग सेवा चुनें। एक फ्री वेब होस्टिंग सेवा आपको एक मुफ्त डोमेन नाम और एक मुफ्त वेब होस्टिंग खाता प्रदान करती है। कुछ लोकप्रिय फ्री वेब होस्टिंग सेवाओं में शामिल हैं *wordpress.com**tumblr.com**tumblr.com* *wix.com* *wix.com* **squarespace.com* **image of squarespace.com* चरण 2. एक फ्री डोमेन नाम चुनें। एक डोमेन नाम आपके वेबसाइट का पता है, उदाहरण के लिए www.google.com एक डोमेन नाम है। आप एक मुफ्त डोमेन नाम प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी फ्री वेब होस्टिंग सेवा द्वारा प्रदान किया जाता है, या आप एक डोमेन नाम खरीद सकते हैं एक डोमेन रजिस्ट्रार से। चरण 3. एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS इंस्टॉल करें। एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS आपको अपनी वेबसाइट को आसानी से डिजाइन और विकसित करने में मदद करता है। कुछ लोकप्रिय CMS हैं *Joomla**Image of Drupal**Image of Magento**Image of Magento Website *Shopify**Image of Shopify Website. चरण 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करें। एक बार जब आपने एक CMS इंस्टॉल कर लिया है तो आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए थीम और प्लगइन्स का उपयोग कर सकते हैं।
आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट भी लिख और अपलोड कर सकते हैं। चरण 5, अपनी वेबसाइट को प्रकाशित करें। एक बार जब आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित कर लेते हैं, तो आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशित करने के बाद आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध होगी। अब आप एक मुफ्त वेबसाइट बनाना जानते हैं। **. मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपको एक मुफ्त वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। Here is an article in Hindi about apps development vs website development best for students. App Vikas banam website Vikas, छात्रों के लिए सबसे अच्छा क्या है? आज के डिजिटल युग में वेब विकास और ऐप विकास दो सबसे लोकप्रिय और मांग वाले करियर विकल्पों में से हैं। दोनों में अपने फायदे और नुकसान हैं, और यह तय करना कि कौन सा छात्रों के लिए सबसे अच्छा है व्यक्तिगत परिस्थितियों और रुचियों पर निर्भर करता है। वेब विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वेबसाइटें बनाई और विकसित की जाती हैं। इसमें वेब पेज डिजाइन करना, कोडिंग करना और वेब सर्वर पर अपलोड करना शामिल है। वेब विकास के दो मुख्य प्रकार हैं, फ्रंट एंड विकास और बैक एंड विकास। फ्रंट एंड विकास वेब पेज के दृश्य पहलुओं से संबंधित है, जबकि बैक एंड विकास वेब पेज के पीछे के कोड से संबंधित है। वेब विकास के कई लाभ हैं। यह एक किफायती और आसानी से सीखने योग्य कौशल है और इसमें कई नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। वेब डेवलपर्स भी दूर से काम कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन मिलता है। हालांकि वेब विकास के कुछ नुकसान भी हैं। यह एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है और वेब डेवलपर्स को लगातार नए कौशल सीखने और विकसित करने की आवश्यकता है। वेब विकास में भी कुछ तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं। ऐप विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मोबाइल एप्स बनाई और विकसित की जाती हैं। इसमें आपका डिजाइन करना, कोडिंग करना और ऐप स्टोर में अपलोड करना शामिल है। ऐप विकास के दो मुख्य प्रकार हैं, नेटिव ऐप डेवलपमेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट। नेटिव ऐप डेवलपमेंट एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म जैसे iOS या Android के लिए ऐप बनाता है, जबकि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट एक ही ऐप को कई प्लेटफॉर्मों के लिए बनाता है। ऐप विकास के कई लाभ हैं। यह एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और ऐप डेवलपर्स के लिए कई नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। ऐप डेवलपर्स भी अपनी ऐप्स को दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि ऐप विकास के कुछ नुकसान भी हैं। यह एक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और ऐप डेवलपर्स को कई अलग अलग कौशल सीखने की आवश्यकता है। ऐप विकास में भी कुछ वित्तीय और समय की बाधाएं हो सकती हैं। तो छात्रों के लिए कौन सा बेहतर है? वेब विकास और ऐप विकास दोनों ही छात्रों के लिए अच्छे करियर विकल्प हैं। यह तय करना कि कौन सा सबसे अच्छा है व्यक्तिगत परिस्थितियों और रुचियों पर निर्भर करता है। यदि आप एक किफायती और आसानी से सीखने योग्य कौशल चाहते हैं जो आपको दूर से काम करने की अनुमति देता है, तो वेब विकास एक अच्छा विकल्प है। यदि आप एक तेजी से बढ़ते क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों तक अपनी रचनाएं पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐप विकास एक अच्छा विकल्प है। अंत में सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों को आजमाएं और देखें कि आप किस में बेहतर हैं। आई होप दिस आर्टिकल हेल्प्स यू मेक अ डिसीजन अबाउट वेदर टू परस्यू वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर बिजनेस कैसे ग्रो करें? आजकल ई कॉमर्स व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। लोग घर बैठे ही अपनी जरूरत की सभी चीजें ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपना ई कॉमर्स व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प है। खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तारांकन अपने व्यवसाय का रिसर्च करें। सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय का रिसर्च करना होगा। यह जानना होगा कि आप कौन से उत्पाद या सेवाएं बेचना चाहते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, बाजार में आपका प्रतिस्पर्धा कैसा है। तारांकन एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन करें। एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी वेबसाइट आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे उत्पाद की तस्वीरें, विवरण, कीमतें, भुगतान और शिपिंग विकल्प आदि शामिल होने चाहिए। तारांकन सही उत्पाद चुनें। हम अपने व्यवसाय के लिए सही उत्पाद चुनना बहुत जरूरी है। ऐसे उत्पाद चुनें जो आपकी टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। आप अपने प्रतिस्पर्धा के उत्पादों का अध्ययन करके भी यह पता लगा सकते हैं कि कौन से उत्पाद लोकप्रिय हैं। तारांकन प्रचार और मार्केटिंग करें। हम अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रभावी मार्केटिंग और प्रचार अभियान चलाने होंगे। आप ऑनलाइन विज्ञापन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग आदि का उपयोग कर सकते हैं। तारांकन ग्राहक सेवा प्रदान करें।
अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करना आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ग्राहकों के प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब दें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने ई कॉमर्स व्यवसाय को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तारांकन, अपने उत्पादों और सेवाओं को लगातार अपडेट करते रहें। तारांकन, ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को सुने और उनके सुझावों पर अमल करें। तारांकन, नए बाजारों में विस्तार करें। तारांकन, अपने व्यवसाय को और अधिक स्वचालित करें। इन सुझावों का पालन करके आप अपने ई कॉमर्स व्यवसाय को और अधिक सफल बना सकते हैं। खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट और एप्स बनाकर बिजनेस कैसे ग्रो करें। आजकल ई कॉमर्स व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। लोग घर बैठे ही अपनी जरूरत की सभी चीजें ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपना ई कॉमर्स व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट और एप्स बनाकर बिजनेस ग्रो करने के लिए आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। एक अच्छी वेबसाइट या ऐप डिजाइन करें। एक अच्छी वेबसाइट या ऐप डिजाइन आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी वेबसाइट या ऐप आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे उत्पाद की तस्वीरें, विवरण, कीमतें, भुगतान और शिपिंग विकल्प आदि शामिल होने चाहिए। आप अपनी वेबसाइट या ऐप को डिजाइन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तारांकन, वेबसाइट या ऐप का डिजाइन सरल और सुव्यवस्थित होना चाहिए। तारांकन, वेबसाइट या ऐप को मोबाइल उपकरणों के लिए भी अनुकूल होना चाहिए। तारांकन, वेबसाइट या ऐप पर उत्पादों की खोज करना आसान होना चाहिए। तारांकन, वेबसाइट या ऐप पर उत्पादों की खरीदारी करना आसान होना चाहिए। 2. सही उत्पाद चुनें। अपने व्यवसाय के लिए सही उत्पाद चुनना बहुत जरूरी है। ऐसे उत्पाद चुनें जो आपकी टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। आप अपने प्रतिस्पर्धा के उत्पादों का अध्ययन करके भी यह पता लगा सकते हैं कि कौन से उत्पाद लोकप्रिय हैं। आप उत्पाद चुनते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तारांकन, उत्पादों की मांग होनी चाहिए। तारांकन, उत्पादों की कीमत आपकी टारगेट ऑडियंस के बजट में होनी चाहिए। तारांकन, उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। 3. प्रभावी मार्केटिंग और प्रचार अभियान चलाएं। अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रभावी मार्केटिंग और प्रचार अभियान चलाने होंगे। आप ऑनलाइन विज्ञापन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग आदि का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने मार्केटिंग अभियानों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तारांकन, अपने लक्षित दर्शकों को समझें। तारांकन, उनके लिए प्रासंगिक सामग्री बनाएं। तारांकन, लगातार अपने अभियानों को मापें और उनमें सुधार करें। 4. अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करें। अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करना आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ग्राहकों के प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब दें। आप अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तारांकन, ग्राहकों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। तारांकन, उनके प्रश्नों का उत्तर जल्दी और स्पष्ट रूप से दें। तारांकन, उनकी शिकायतों का निवारण करें। 5. अपने उत्पादों और सेवाओं को लगातार अपडेट करते रहें। अपने उत्पादों और सेवाओं को लगातार अपडेट करते रहें ताकि आप अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। आप नए उत्पादों और सेवाओं को जोड़ सकते हैं या मौजूदा उत्पादों और सेवाओं में सुधार कर सकते हैं। 6. ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को सुने और उनके सुझावों पर अमल करें। ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके सुझावों पर अमल करके आप अपने व्यवसाय को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। 7. नए बाजारों में विस्तार करें। अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आप नए बाजारों में विस्तार कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को अन्य देशों में विस्तार कर सकते हैं या आप नए उत्पादों और सेवाओं को जोड़कर अपने व्यवसाय को मौजूदा बाजारों में विस्तार कर सकते हैं। 8. अपने व्यवसाय को और अधिक स्वचालित करें। अपने व्यवसाय को और अधिक स्वचालित करके आप अपने समय और संसाधनों को बचा सकते हैं। आप अपने व्यवसाय के लिए स्वचालितकरण समाधानों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बिलिंग और शिपिंग स्वचालन, ग्राहक सेवा स्वचालन आदि। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट और एप्स बनाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। Here is an article in Hindi under Lifetime Free E-commerce Website Kaise Banaye. Lifetime Free E-commerce Website Kaise Banaye. E-commerce व्यवसाय शुरू करना एक शानदार तरीका है पैसे कमाने के लिए। आप अपने घर से काम कर सकते हैं और दुनिया भर में लोगों को अपने उत्पाद या सेवाएं बेच सकते हैं। यदि आप एक फ्री E-commerce वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कई विकल्प हैं।
कुछ लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं। एस्टरिस्क 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 वुकमिस, यह एक वर्डप्रेस प्लगइन है जो आपको एक पूर्ण फीचर्ड ई-कॉमर्स स्टोर बनाने में सक्षम बनाता है। इमेज ऑफ वुकमिस लोगो। एस्टरिस्क 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 शॉपिफाई, यह एक होस्टेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको एक वेबसाइट बनाने और चलाने में मदद करता है। इमेज ऑफ शॉपिफाई लोगो। एस्टरिस्क 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 विक्स, यह एक होस्टेड वेबसाइट बिल्डर है जो आपको एक आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट बनाने में सक्षम बनाता है। इमेज ऑफ विक्स लोगो। एस्टरिस्क 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 बिग कॉमर्स, यह एक होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको एक स्केलेबल और फीचर रिच स्टोर बनाने में सक्षम बनाता है। इमेज ऑफ बिग कॉमर्स लोगो। इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप एक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म आपको कुछ फीचर्स के लिए भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। एक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। 1. एक डोमेन नेम खरीदें। 2. एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर चुनें। 3. एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चुनें। 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करें। 5. अपने उत्पादों को जोड़ें। 6. भुगतान और शिपिंग सेटिंग सेट करें। 7. अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। एक डोमेन नेम एक यूनिक URL है जो आपकी वेबसाइट को पहचानता है। आप एक डोमेन नेम को एक डोमेन रजिस्ट्रार से खरीद सकते हैं। एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर एक कंपनी है जो आपकी वेबसाइट के लिए स्पेस और बैंडविड्थ प्रदान करती है। आप एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर को चुन सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने और चलाने में सक्षम बनाता है। आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं जो आपके बजट और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करें। आप अपनी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ या बिना डिजाइन और विकसित कर सकते हैं। यदि आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो आप अपने उत्पादों को जोड़ने और अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म के टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपनी वेबसाइट को बिना किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिजाइन और विकसित करते हैं तो आपको एक वेब डेवलपर को काम पर रखना होगा। अपने उत्पादों को जोड़ें। एक बार जब आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित कर लेते हैं तो आप अपने उत्पादों को जोड़ सकते हैं। आप अपने उत्पादों को एक स्प्रेडशीट में सूचीबद्ध कर सकते हैं या आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। भुगतान और शिपिंग सेटिंग सेट करें। एक बार जब आप अपने उत्पादों को जोड़ लेते हैं तो आपको भुगतान और शिपिंग सेटिंग सेट करनी होंगी। आप अपने ग्राहकों को विभिन्न भुगतान विधियों और शिपिंग विकल्पों की पेशकश कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। एक बार जब आप अपनी वेबसाइट को सेटअप कर लेते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना होगा। आप ऑनलाइन विज्ञापन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं। इन चरणों का पालन करके आप एक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और अपना ई कॉमर्स व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। Here are some additional tips for creating a successful free e-commerce website. Asterisk choose a niche. Asterisk asterisk Facebook ads campaign se mujhe 800 plus lead generation hua aapko bhi milega asterisk asterisk. Namaste. Mera naam aapka naam hai aur main ek aapki company ka naam hoon. Main aaj aapke saath apna Facebook ads campaign ka anubhav saajha karne ja raha hoon, jisse mujhe 800 plus lead generation hua. मैंने अपने फेसबुक एड्स कैंपेन को 2023 में शुरू किया था। मैंने अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह से समझने के लिए रिसर्च किया और फिर एक इफेक्टिव कैंपेन बनाया। मैंने अपने कैंपेन को ट्रैकिंग किया और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किए। मेरे कैंपेन का फोकस लीड जनरेशन पर था। मैंने अपने कैंपेन में एक कॉल टू एक्शन बटन CTA जोड़ा जो लोगों को मेरे वेबसाइट पर जाकर लीड बनने के लिए प्रोत्साहित करता था। मेरे कैंपेन के परिणाम बहुत अच्छे रहे। मुझे 800 प्लस लीड जनरेशन हुआ जिससे मेरी सेल्स में काफ़ी वृद्धि हुई। मैं आपको अपने कैंपेन की कुछ सफलता की रणनीतियां बताना चाहूंगा। एस्टरिस्क एक स्पष्ट टारगेट ऑडियंस निर्धारित करें। आपके कैंपेन को सफल होने के लिए आपको एक स्पष्ट टारगेट ऑडियंस निर्धारित करना होगा। आपके टारगेट ऑडियंस में वे लोग शामिल होने चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में रुचि रखते हैं। एस्टरिस्क एक प्रभावी कैंपेन बनाएं। आपका कैंपेन आकर्षक और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। यह लोगों को आपके वेबसाइट पर जाने और लीड बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एस्टरिस्क अपने कैंपेन को ट्रैक करें। अपने कैंपेन को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है ताकि आप देख सकें कि यह कितना प्रभावी है। आप अपने कैंपेन के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए फेसबुक एड्स मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो फेसबुक एड्स एक ग्रेट ऑप्शन है।
बस अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह से समझें और एक इफेक्टिव कैंपेन बनाएं। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दी गई हैं जो आपको अपने फेसबुक एड्स कैंपेन को सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। एस्टरिस्क, अपने कैंपेन के लिए एक क्लियर गोल निर्धारित करें। आप अपने कैंपेन से क्या हासिल करना चाहते हैं, लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक या सेल्स? अपने गोल को स्पष्ट रूप से जानने से आपको अपने कैंपेन को बेहतर ढंग से टारगेट करने में मदद मिलेगी। एस्टरिस्क, अपने कैंपेन के लिए एक बजट निर्धारित करें। अपने कैंपेन के लिए कितना खर्च करना चाहते हैं? अपने बजट को निर्धारित करने से आपको अपने कैंपेन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। एस्टरिस्क, अपने कैंपेन के लिए रेलेवेंट क्रिएटिव बनाएं। आपके क्रिएटिव लोगों को आपके वेबसाइट पर जाने और लीड बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके क्रिएटिव रेलेवेंट और एंगेजिंग हैं। एस्टरिस्क, अपने कैंपेन को टेस्ट करें। अपने कैंपेन को टेस्ट करने से आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि कौन सी क्रिएटिव और टारगेटिंग सबसे प्रभावी है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद। आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम। अनलिमिटेड वेबसाइट डिजाइन क्लाइंट कैसे मिलेगा? यूज यूके कनाडा मेन **30,000 से $50,000 कॉस्ट का पर प्रोजेक्ट। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर हैं और यूके में अनलिमिटेड वेबसाइट डिजाइन क्लाइंट चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको यूके में अनलिमिटेड वेबसाइट डिजाइन क्लाइंट प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। **1, अपने टारगेट ऑडियंस को समझें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस तरह के क्लाइंट्स चाहते हैं। क्या आप छोटे बिजनेसेस के लिए काम करना चाहते हैं या बड़े एंटरप्राइजेस के लिए या दोनों? एक बार जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझ लेंगे तो आप अपने मार्केटिंग और सेल्स एफर्ट्स को उसी के अनुसार टारगेट कर सकते हैं। **2, एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं। आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करें और उन्हें रेगुलरली अपडेट करते रहें। सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट में एक कॉल टू एक्शन बटन हो जो लोगों को आपसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करे। **3, अपने स्किल्स को प्रमोट करें। अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को प्रमोट करें। आप अपने वर्क सैंपल्स को भी शेयर कर सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज के बारे में ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। **4, नेटवर्किंग करें। लोकल बिजनेसेस और इंडस्ट्री इवेंट्स में शामिल हों और अन्य वेबसाइट डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स से जुड़ें। नेटवर्किंग से आपको नए क्लाइंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। **5, अपने सर्विसेज को अफोर्डेबल रखें। यूके में अनलिमिटेड वेबसाइट डिजाइन क्लाइंट प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सर्विसेज को अफोर्डेबल रखना होगा। आप अपने सर्विसेज को कम्पेटिटिव प्राइसिंग के साथ ऑफर कर सकते हैं या डिस्काउंट्स और प्रमोशंस प्रदान कर सकते हैं। **6, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रदान करें। एक बार जब आप नए क्लाइंट्स प्राप्त कर लेते हैं तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रदान करें। इसका मतलब है कि समय पर और रिस्पॉन्सिव होना, उनकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना और उनकी फीडबैक को ध्यान में रखना। **7, निरंतर लर्निंग और इम्प्रूवमेंट करें। वेब डिजाइन एक एवर चेंजिंग फील्ड है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप निरंतर लर्निंग और इम्प्रूवमेंट करते रहें। नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को सीखें और अपनी स्किल्स को शार्पन करें। **8, रेफरल्स प्राप्त करें। अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरल्स प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। रेफरल्स आपको नए क्लाइंट्स प्राप्त करने का एक ग्रेट वे है। **9, पेशेंस रखें। यूके में अनलिमिटेड वेबसाइट डिजाइन क्लाइंट प्राप्त करने में समय और धैर्य लगता है। निरंतर मार्केटिंग और सेल्स एफर्ट्स करते रहें और आप अंततः सफल होंगे। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दी गई हैं जो आपको यूके में अनलिमिटेड वेबसाइट डिजाइन क्लाइंट प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। **1, नीचे में स्पेशलाइज करें। एक नीचे में स्पेशलाइज करने से आप अपने एक्सपर्टीज को और अधिक टारगेट कर सकते हैं और क्वालिफाइड लीड्स प्राप्त कर सकते हैं। **1, पोर्टफोलियो बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं जो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को शोकेस करे। आप अपने पोर्टफोलियो को अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। ******, लीड जनरेशन टूल्स का उपयोग करें। लीड जनरेशन टूल्स का उपयोग करके आप यूके में क्वालिफाइड लीड्स प्राप्त कर सकते हैं। *****, कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग करें। कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग करके आप यूके में पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने बिजनेस के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। *****, सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग करें।
सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग करके आप यूके में पोटेंशियल क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे बताएं। *** additional tips for unlimited website design clients in UK *** वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर नौकरियां अभी आवेदन करें। प्रस्तावना। आज की डिजिटल युग में वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे विभिन्न नवीनतम और आकर्षक वेबसाइट्स बनाने और उन्हें विकसित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस लेख में हम वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपरों के लिए उपलब्ध नौकरियों के बारे में बताएंगे और यहाँ आवेदन करने के लिए कदम बताएंगे। वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर की योग्यताएं। क्रिएटिविटी और डिजाइन योग्यता। आकर्षक और उपयोगी वेबसाइट्स बनाने की क्षमता। वेब डेवलपमेंट। विभिन्न वेब डेवलपमेंट भाषाओं और तकनीकों का ज्ञान। समस्या समाधान। वेबसाइट्स में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने और उन्हें ठीक करने की क्षमता। कार्यक्षेत्र। वेबसाइट डिजाइनिंग। आकर्षक और प्रभावी वेबसाइट्स का डिजाइन करना। वेबसाइट विकास। वेबसाइट्स के लिए कोडिंग और विकास करना। वेबसाइट अनुकूलन। वेबसाइट्स को विभिन्न डिवाइसों और ब्राउजर्स के लिए अनुकूलित करना। कैसे आवेदन करें। यदि आप एक वेबसाइट डिजाइनर या डेवलपर बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आवेदन करें। आप विभिन्न नौकरी वेबसाइट्स, कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट्स या नौकरी एप्लीकेशंस के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपकी योग्यता, कौशल और उत्साह से संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों में आवेदन करें और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। हम आपके जल्दी ही संबंध स्थापित करने का इंतजार कर रहे हैं और आपके साथ एक सफल और सार्थक साझेदारी की उम्मीद करते हैं। वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर नौकरियां अभी आवेदन करें। प्रस्तावना। आज की डिजिटल युग में वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे विभिन्न नवीनतम और आकर्षक वेबसाइट्स बनाने और उन्हें विकसित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस लेख में हम वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपरों के लिए उपलब्ध नौकरियों के बारे में बताएंगे और यहाँ आवेदन करने के लिए कदम बताएंगे। वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर की योग्यताएं। क्रिएटिविटी और डिजाइन योग्यता। आकर्षक और उपयोगी वेबसाइट्स बनाने की क्षमता। वेब डेवलपमेंट। विभिन्न वेब डेवलपमेंट भाषाओं और तकनीकों का ज्ञान। समस्या समाधान। वेबसाइट्स में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने और उन्हें ठीक करने की क्षमता। कार्यक्षेत्र। वेबसाइट डिजाइनिंग। आकर्षक और प्रभावी वेबसाइट्स का डिजाइन करना। वेबसाइट विकास। वेबसाइट्स के लिए कोडिंग और विकास करना। वेबसाइट अनुकूलन। वेबसाइट्स को विभिन्न डिवाइसों और ब्राउजर्स के लिए अनुकूलित करना। कैसे आवेदन करें। यदि आप एक वेबसाइट डिजाइनर या डेवलपर बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आवेदन करें। आप विभिन्न नौकरी वेबसाइट्स, कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट्स या नौकरी एप्लीकेशंस के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपकी योग्यता, कौशल और उत्साह से संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों में आवेदन करें और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। हम आपके जल्दी ही संबंध स्थापित करने का इंतजार कर रहे हैं और आपके साथ एक सफल और सार्थक साझेदारी की उम्मीद करते हैं। 19 solid websites to find content writing jobs and earn 10,000 rupees plus monthly. 19 मजबूत वेबसाइटें कंटेंट लेखन नौकरियों के लिए और 10,000 रुपीस महीने कमाने के लिए। आधुनिक समय में जब डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी के साथ अपना कई तरीके से संपर्क स्थापित किया है, वहीं नौकरी के क्षेत्र में भी विभिन्न बदलाव आए हैं। कंटेंट लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको स्वतंत्रता है और आप अपने समय के अनुसार काम कर सकते हैं। यहाँ हम आपको 19 मजबूत वेबसाइटों के बारे में बताएंगे जहाँ से आप कंटेंट लेखन नौकरियों को ढूंढकर महीने भर में 10,000 रुपीस से अधिक कमा सकते हैं। 1. Upwork www.upwork.com। यहाँ आप विभिन्न विषयों पर प्रकार की बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने क्षमतानुसार मौजूदा प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकते हैं। 2. Freelancer www.freelancer.com। यह एक अन्य लोकप्रिय वेबसाइट है जहां आप कंटेंट लेखन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। 3. Fiverr www.fiverr.com। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने क्षमतानुसार विभिन्न सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जैसे कि लेखन, संपादन और प्रस्तुतियां आदि।
4. *** Content Mart www.contentmart.com, यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की कंटेंट नौकरियों के लिए आवेदन करने का मौका मिलता है. 5. *** Writer www.writer.com, यह एक और विकल्प है जहाँ आप कंटेंट लेखन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने लेखन कौशलों को नई ऊंचाइयों तक बढ़ा सकते हैं. 6. *** Textbroker www.textbroker.com, यहाँ आप विभिन्न प्रकार की लेखन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और महीने में 10,000 रुपीज से अधिक कमा सकते हैं. 7. *** Writer Access www.writeraccess.com, यह एक विशेष वेबसाइट है जिस पर आप कंटेंट लेखन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं. 8. *** The Creative Group www.robothalf.com, यह आपको कंटेंट लेखन के विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन की नौकरियां प्रदान करता है. 9. *** Freelance Writing Jobs www.freelancewriting.com, इस वेबसाइट पर आप नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने लेखन कौशलों का नवीनीकरण. *** Tags *** Content Writing, Freelancing, Online Jobs, Writing Gigs, Earning Money, Content Creation, Content Writers, Remote Work, Gig Economy. *** Keywords *** 1. Content Writing Opportunities. 2. Freelance Writing Gigs. 3. Online Writing Jobs. 4. Earn Money Writing. 5. Content Creation Platforms. 6. Content Writer Job Boards. 7. Freelance Writing Websites. 8. Writing Gigs for Writers. 9. Remote Content Jobs. 10. Gig Economy Writing Jobs. 19. Solid Websites to Find Content Writing Jobs and Earn 10,000 Rupees Plus Monthly. 19. Majboot Websites. कंटेंट लेखन नौकरियों के लिए और 10,000 रुपीज महीने कमाने के लिए. आधुनिक समय में जब डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी के साथ अपना कई तरीके से संपर्क स्थापित किया है, वहीं नौकरी के क्षेत्र में भी विभिन्न बदलाव आए हैं. कंटेंट लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको स्वतंत्रता है और आप अपने समय के अनुसार काम कर सकते हैं. यहाँ हम आपको 19 मजबूत वेबसाइटों के बारे में बताएंगे जहाँ से आप कंटेंट लेखन नौकरियों को ढूंढकर महीने भर में 10,000 रुपीज से अधिक कमा सकते हैं. 1. *** Upwork www.upwork.com, यहाँ आप विभिन्न विषयों पर प्रकार की बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने क्षमतानुसार मौजूदा प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकते हैं. 2. *** Freelancer www.freelancer.com, यह एक अन्य लोकप्रिय वेबसाइट है जहां आप कंटेंट लेखन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं. 3. *** Fiverr www.fiverr.com, इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने क्षमतानुसार विभिन्न सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जैसे कि लेखन, संपादन और प्रस्तुतियां आदि. 4. *** Content Mart www.contentmart.com, यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की कंटेंट नौकरियों के लिए आवेदन करने का मौका मिलता है. 5. *** Writer www.writer.com, यह एक और विकल्प है जहाँ आप कंटेंट लेखन के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने लेखन कौशलों को नई ऊंचाइयों तक बढ़ा सकते हैं. 6. *** Textbroker www.textbroker.com, यहाँ आप विभिन्न प्रकार की लेखन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और महीने में 10,000 रुपीज से अधिक कमा सकते हैं. 7. *** Writer Access www.writeraccess.com, यह एक विशेष वेबसाइट है जिस पर आप कंटेंट लेखन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं. 8. *** The Creative Group www.robothalf.com, यह आपको कंटेंट लेखन के विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन की नौकरियां प्रदान करता है. 9. *** Freelance Writing Jobs www.freelancewriting.com, इस वेबसाइट पर आप नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने लेखन कौशलों का नवीनीकरण. *** Tags *** Content Writing, Freelancing, Online Jobs, Writing Gigs, Earning Money, Content Creation, Content Writers, Remote Work, Gig Economy. *** Keywords *** 1. Content Writing Opportunities. 2. Freelance Writing Gigs. 3. Online Writing Jobs. 4. Earn Money Writing. 5. Content Creation Platforms. 6. Content Writer Job Boards. 7. Freelance Writing Websites. 8. Writing Gigs for Writers. 9. Remote Content Jobs. 10. Gig Economy Writing Jobs. सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर ऐप्स और वेबसाइट विकास के लिए
एप्स और वेबसाइट विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर वह है जो आपके वर्कफ्लो की आवश्यकताओं को पूरा करता है और आपके बजट में फिट बैठता है। यदि आप एक शुरुआती डेवलपर हैं, तो आपको एक ऐसे कंप्यूटर की आवश्यकता होगी जो आपके सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर को चला सके और आपके प्रोजेक्ट्स को तेजी से संकलित कर सके। यदि आप एक अनुभवी डेवलपर हैं, तो आपको एक अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता हो सकती है जो बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को संभाल सके। यहाँ ऐप्स और वेबसाइट विकास के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर दिए गए हैं। *** Apple MacBook Pro MacBook Pro डेवलपर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि यह शक्तिशाली, पोर्टेबल और उपयोग में आसान है। इसमें एक शक्तिशाली M1 प्रोसेसर, एक शानदार रेटिना डिस्प्ले और एक लंबी बैटरी लाइफ है। *** Dell XPS 15 XPS 15 एक शक्तिशाली और बहुमुखी विंडोज लैपटॉप है जो डेवलपर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसमें एक शक्तिशाली इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, एक शानदार OLED डिस्प्ले और एक लंबी बैटरी लाइफ है। *** माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप 4 *** सर्फेस लैपटॉप 4 एक शक्तिशाली और पोर्टेबल विंडोज लैपटॉप है जो डेवलपर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसमें एक शक्तिशाली Ryzen 5 प्रोसेसर, एक शानदार पिक्सल सेंस डिस्प्ले और एक लंबी बैटरी लाइफ है। *** Razer Blade 15 Razer Blade 15 एक गेमिंग लैपटॉप है जो डेवलपर्स के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है। इसमें एक शक्तिशाली इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, एक शानदार 144Hz डिस्प्ले और एक लंबी बैटरी लाइफ है। *** Asus ROG Strux K17 *** ROG Strux K17 एक गेमिंग लैपटॉप है जो डेवलपर्स के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है। इसमें एक शक्तिशाली AMD Ryzen 9 प्रोसेसर, एक शानदार 300Hz डिस्प्ले और एक लंबी बैटरी लाइफ है। ये सभी कंप्यूटर डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। हालांकि आपको अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक कंप्यूटर का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पोर्टेबल कंप्यूटर चाहते हैं, तो आपको MacBook Pro या Dell XPS 15 पर विचार करना चाहिए। यदि आप एक शक्तिशाली कंप्यूटर चाहते हैं जो बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को संभाल सके, तो आपको Razer Blade 15 या Asus ROG Strix K17 पर विचार करना चाहिए। आपके लिए कौन सा कंप्यूटर सर्वश्रेष्ठ है? *** यह आपके बजट और आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यदि आप एक शुरुआती डेवलपर हैं, तो MacBook Air या Dell Inspiron 15 जैसे एक अधिक किफ़ायती कंप्यूटर पर विचार करना चाहेंगे। यदि आप एक अनुभवी डेवलपर हैं, तो आपको एक अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता हो सकती है जैसे कि MacBook Pro, Dell XPS 15 या Razer Blade 15। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सा कंप्यूटर आपके लिए सही है, तो किसी तकनीकी विशेषज्ञ से सलाह ले लीजिए। वे आपको आपकी आवश्यकताओं के आधार पर एक कंप्यूटर चुनने में मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूँगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।